हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने का फैसला किया। खुशखबरी आप लोगों के लिए कि सोलर प्लेट्स के रेट नीचे आ रहे हैं, पान के केबिन पे भी सोलर बिकना शुरू हो जाएगी। रेट इतने कम हो गए हैं, हर बंदे की बजट में आ रही है। हमने एक पैकेज भी अनाउंस किया हुआ है, एक पंखा और दो लाइटों का। अगर किसी के घर में 18 घंटे की भी लोड शेडिंग है ना, तो वो आप इस पैकेज से कवर कर सकते हैं। हम एक प्लेट दे रहे हैं 180 वाट की, वारंटी दे रहे हैं 5 साल की। इसके साथ एक रॉयल कंपनी का पंखा दे रहे हैं, वारंटी 3 साल है। 100 एम्पेयर की बैटरी दे रहे हैं ओसाका की 11 प्लेट वाली। उसके साथ दो डीसी लाइटें दे रहे हैं। जो हम वायर दे रहे हैं वो पैंथर कंपनी का प्योर कॉपर में दे रहे हैं। 2 साल की वारंटी है, कंप्लीट एसी सीरीज, कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ। इसमें एक कील भी क्लाइंट को बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। 1 किलोवाट से लेके 150 किलोवाट तक का सिस्टम हम लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम में हम ये वाली दो प्लेटें लगाते हैं, 565 वाट वाली दो प्लेटों के साथ इन्वर्टर लगाते हैं इन्वरेक्स कंपनी का। एक ट्यूबलेट बैटरी लगती है बड़ी वाली, कंप्लीट वायरिंग, कंप्लीट डीबी बॉक्स, कंप्लीट एसी सीरीज, L2 का फ्रेम होता है वो फ्रेम, कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ। पावर का 3 किलोवाट का इन्वर्टर, इसके अंदर भी वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है। वारंटी इसकी भी 2 साल है, 3 साल सर्विस वारंटी है। मैं तो यही लगाऊंगा, सोलर की दुनिया की हर चीज होती है। पंखे की कंप्लीट रेंज है, देखिए बैटरीज की कितनी बड़ी रेंज है। आफ्टर सेल सर्विस है आपकी? विद इन 2 वीक अगर कोई कंप्लेन आती है तो हम वैसे ही अपना बंदा बेच के उसको सेट करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, गर्मी की शिद्दत में हो रहा है इजाफा दिन ब दिन, और उसके साथ साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। और लेकिन बची कुछ ही जगहों पर जहाँ पर बिजली आ रही है, वहाँ पर बिलों ने माशाल्लाह से लोगों के होश उड़ा दिए। सोलर पैनल्स हैं, उनकी डिमांड में भी इजाफा होता चला जा रहा है। बजट आ चुका है, क्या रेट्स हुए हैं, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, टैक्स लगा है, नहीं लगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हमारे साथ हुनैन भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे भाई? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बिलों ने लोगों के चीखे निकाल दिए। इस दफा तो जो बिल आया है अलमाना वाला भी। अच्छा, मतलब आप परेशान हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट मंथ 11,000 रुपए का बिल आया था। सही है। और इस मंथ 32,000 रुपए का बिल आया। 21,000 का मेरा है। मैं जिस घर में रहता हूँ उसका रेंट 22,000 रुपए है और बिल 32,000 रुपए है। माशाल्लाह। तो भाई ये सिचुएशन है, या तो घर में आप राशन डलवा सकते हैं या बिजली के बिल जमा करा सकते हैं। सर, सोलर के रेट्स का क्या हुआ? बजट आ चुका है, रेट कम हुए नहीं हुए? पिछले दिनों न्यूज चल रही थी कि टैक्स लगने वाला है, मार्केट से माल शॉर्ट हो गया था, रेट बढ़ा दिए थे लोगों ने। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल से बात बताना चाहूंगा श्रीहार भाई, कि जब बजट आने वाला था उससे पहले रेट बहुत कम हो गए थे। अच्छा। आपने यहाँ पे आके वीडियो भी बनाई थी। 7,500 रुपये की छोटी वाली प्लेट हो गई थी, बड़ी वाली प्लेट 19,500 रुपये की हो गई थी, जो 70,000 रुपये की माजी में थी जी। और ये चीज़ हमारे माफियाज से बर्दाश्त नहीं हुई, इम्पोर्टर हजार से बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे सहूलत ले, कैसे सहूलत ले सकते हैं? बिल्कुल यही बात है। हम चीख चीख के बोलते रह गए कि भाई ले लो ले लो ले लो, कभी भी महंगी हो जाएगी। उनका दिमाग चला, उन्होंने बोला कि भाई अब महीने डेढ़ महीने में बजट आने वाला है, तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम रेट अप कर सकें। सही है। उन्होंने मीडिया को लाखों रुपए खिलाए और फेक न्यूज़ चला दी कि भाई बजट में सोलर के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। फेक न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी, 100% फेक न्यूज़ थी। सही है। 17% का हवाला दे के उन्होंने पर प्लेट पे 1,500 रुपये 2,000 रुपये बढ़ा दिए। सही है। वो 2,000 रुपये सोलर के बढ़ाए, रेट अचानक से शूट हो गए बजट से पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एट दी एंड ये हुआ कि बजट आ गया, हुकूमत ने टैक्स लगाने के बजाय सोलर को और सब्सिडाइज कर दिया। मतलब तरस आ गया हुकूमत, हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ। पूरी कायनात में कोई एक चीज़ ऐसी है कि जिसपे सोलर प्लेटें, जिसपे हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने का फैसला किया है। सही है। अब उसके पीछे क्या हकायक है उसकी गहराई में नहीं जाते, उसको रहने देंगे, वो एक अलग मैटर है। वो एक अलग मैटर है। बात यह है कि आवाम को सहूलत मिल रही है। ठीक है। तो अब बजट भी आ गया, सारी चीज़ें भी हो गई, अब जो बहाना था वो भी ख़त्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वापस से रेट नीचे आ गए हैं, स्टेबल हो गए, स्टेबल भी हो गए और मज़ीद नीचे आने के चांसेस हैं। अच्छा, मतलब अब ये आवाज़ें आ रही हैं कि अब ऊपर जाने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। मतलब एक सब्जी वाला भी सोलर प्लेट बेचेगा? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग अपनी जबान में ये कहते हैं कि पान के केबिन पे भी सोलर बिकना शुरू हो जाएगी। अच्छा। कि रेट इतने कम हो गए हैं, हर बंदे की बजट में आ रही है और हर बंदा अब लगाने के उसमें है, इख्तियार में है कि भाई हर बंदा इसमें इंटरेस्ट लेके लगा सकता है। सेकेंड बात रही कि इसमें बहुत ज़्यादा ये भी रूमर्स थे कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, हर पर किलोवाट पे 2,000 रुपये का टैक्स है, या गवर्नमेंट नेट मीटरिंग ख़त्म कर रही है। ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। ठीक है। हमारे जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बारहा कहा है कि ना कोई टैक्स लग रहा है, ना कोई हम नेट मीटरिंग को ख़त्म कर रहे हैं। बोला हम तो पाकिस्तान में ये लेके आए ना, हम तो चाहते हैं कि हम
ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं और पाकिस्तान के लिए भलाई हो। तो ये है कि अब जो नेट मीटरिंग का टैक्स का चक्कर था वो रूमर्स भी क्लियर हो गए, वो भी बिल्कुल सिरे से खत्म हो गई। ना कोई टैक्स लग रहा है, ना कोई नेट मीटरिंग प्रोसेस खत्म हो रहा है, जो सब वैसा है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। और सोलर प्लेट के रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक नीचे। ये तो खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि सोलर प्लेट्स के रेट नीचे आ रहे हैं। कम्प्लीटली वीडियो का आगाज करेंगे, सर एड्रेस बता दें। एड्रेस बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं हर दफ़ा कि यार आप एड्रेस सही गाइड नहीं करते। तो एड्रेस मेन जो है ना वो सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती है। ठीक है, खुदा की बस्ती पे आप आ जाएंगे आपको जमजम इलेक्ट्रिक नजर आ जाएगी। ये सिंपल और सीधा एड्रेस है। ठीक है, इसके अलावा इस दफ़ा हम आपकी वीडियो में अपने शॉप की जो पिन लोकेशन है उसको भी मेंशन कर देंगे, चाहे ताकि वो आपकी वीडियो देख के मैप के जरिए हमारी दुकान पे इजीली आ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पिन लोकेशन, तो आप लोग फॉलो कर इजीली आ जाएंगे। सेकंड दूसरा आसान रास्ता ये कि ग्रीन लाइन से जैसे ही आप अंदर आएंगे ये रोड सीधा आ रहा है खुदा की बस्ती पे आके खत्म होता है। जहाँ खुदा की बस्ती वाली चोरंगी है वहीं से आप थोड़ा सा आगे आएंगे आपको जमजम इलेक्ट्रिक दिख जाएगी। मोबाइल नंबर है हमारा 0318-22-44248, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि आप आपको जब जब मैंने इंटरव्यू दिया ना उसके बाद इतनी कॉल्स आती हैं हम दुकानदारी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो कस्टमर खड़े हुए होते हैं, अब एक कस्टमर है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं उसको इंटरटेन करूंगा या मैं फोन पे लगा रहूंगा, तो कस्टमर बोलेगा यार हम इसकी दुकान पे हैं, ये तो फोन पे ही लगा हुआ है। तो भाई व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके छोड़ दें, मैं जैसे ही फ्री हूंगा एज सून एज पॉसिबल मैं आपको फौरन जवाब दूंगा और आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उसको निपटाने की कोशिश करूंगा। शॉप की टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है और फ्राइडे के दिन हम ऑफ करते हैं। संडे के दिन हमारी शॉप ओपन होती है और फ्राइडे वाले दिन ऑफ होती है, और रोजाना की जो टाइमिंग है वो सुबह 11 से रात 10 तक। ऑनलाइन का क्या प्रोसीजर है? ऑनलाइन का ये है कि कराची में ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, लेकिन एडवांस पेमेंट, क्योंकि बहुत दफ़ा ये हो रहा है अब कि फेक ऑर्डर्स हो जाते हैं, यहाँ से लोग हमारा पूरी पूरी गाड़ी भर के जाते हैं कि यार ये वाला सिस्टम लगा दो, क्योंकि हमने तो जो पैकेजेस अनाउंस किए हैं वो हमने और एक्सटेंड कर दिए हैं, क्योंकि सोलर के रेट नीचे हैं तो हमें भी रेट बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं। सही है। तो अभी हमने ये अपने जो पैकेजेस जो लास्ट टाइम अनाउंस किए थे वो अभी भी वीडियो में बता देंगे, तो वो पैकेज अभी हमने कंटिन्यू करे हुए हैं। तो ये है कि अगर जिसको भी पैकेज लगवाना है वो सबसे आसान हल है कि आप एक दफ़ा शॉप पर आ जाओ। जब आप शॉप पर आ जाते हो तो आप सारी चीज़ें अपने सामने देख लेते हो कि प्लेट कौन सी कंपनी की है, बैटरी कौन सी है, वायर कौन सा लगा रहे हैं, क्या क्या ऐसी सीरीज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे अच्छा तो ये है। और अगर नहीं आप बोलते यार हम नहीं आ सकते, तो आपने एडवांस पेमेंट अकाउंट में डाली है, उसके बाद हमारा नुमाइंदा जाके आपके घर पे फिटिंग करके बाकी पेमेंट आपसे लेके आ जाएगा। कराची शहर के बाहर से अगर कोई रابطہ करता है आपसे? कराची शहर के बाहर से तो पॉसिबल ही नहीं है, हम कराची को पूरा नहीं कर सकते। तो कराची शहर के बाहर मतलब मैं बोलने को बोल दूं सारी बड़ी बड़ी बातें कर दूं, लेकिन एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, हम दुकान से एक मिनट के लिए नहीं हिल पा रहे। तो कराची शहर के बाहर जाना तो 3 दिन बर्बाद करने के बराबर चीज़ों की डिमांड है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कराची शहर के बाहर से अगर आपको इन्वर्टर्स चाहिए या अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे ले लें और आप अपने शहर से उसी के मुताबिक वो ज़्यादा सहूलत रहेगी, वो ज़्यादा सहूलत। तो भाई वीडियो का प्रॉपरली आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, हमारे साथ रहिएगा। तो जी हुनैन भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सिर्फ आप रेजिडेंशियल एरिया में काम कर रहे हैं या आप कमर्शियल काम भी कर रहे हैं? शरियार भाई, हम तो रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ साथ जो कमर्शियल है उस पर भी काम कर रहे हैं। 1 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट 150 किलोवाट तक का सिस्टम हम लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उसमें ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया, ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया, हाइब्रिड सिस्टम हो गया, ये सारी इंस्टॉलेशन अभी चल रही हैं। सही हो गया। अगर नॉर्मली एक घर में मिसाल के तौर पर एक पंखा चलाना है, 2-3 सेवर चलाने, तो उसके लिए क्या खर्चा आ जाता है? अभी जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज ये भी आ रही हैं कि एक पंखा चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें, हमें तो बिजली का बिल भी बचाना है, लोड शेडिंग भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही होती है एक पंखे और दो पंखे से रिलेटेड। तो उसके लिए हमने एक पैकेज भी अनाउंस किया हुआ है, 40,000 रुपये का पैकेज है एक पंखा और दो लाइटों का। अच्छा, अगर किसी क्लाइंट को एक पंखा और दो लाइटों की रिक्वायरमेंट है कि वो सोलर पर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बिजली से बिल से बचने के लिए या लोड शेडिंग से बचने के लिए, तो 40,000 रुपये का पैकेज है। उस 40,000 रुपये में हम क्या क्या दे रहे हैं? उस 40,000 रुपये में हम एक प्लेट दे रहे हैं 180 वाट की, जिसकी हम वारंटी दे रहे हैं 5 साल की। 5 साल में इसके वोल्ट, इसके एम्पेयर, इसकी परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क आता है तो आप इसको वारंटी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, 5 साल की इसकी वारंटी होती है। ये एक प्लेट दे रहे हैं, इसके साथ एक रॉयल कंपनी का पंखा दे रहे हैं जिसकी वारंटी 3 साल है। 1 साल उसकी सर्किट की वारंटी है, 2 साल उसकी मोटर की वारंटी है, टोटल 3 साल वारंटी का पंखा है रॉयल कंपनी का। एक वो पंखा दे रहे हैं,
एक 100 एम्पीयर की बैटरी दे रहे हैं ओसाका की 11 प्लेट वाली, ठीक है। एक वो बैटरी दे रहे हैं, ड्राई बैटरी है या पानी वाली? पानी वाली बैटरी होती है, ठीक है। तो प्रो 100 मॉडल है उसका, 11 प्लेट वाली बैटरी है। एक वो बैटरी दे रहे हैं, उसके साथ दो डीसी लाइटें दे रहे हैं आजाद कंपनी की, ठीक है। उसके साथ जो हम वायर दे रहे हैं वो पैंथर कंपनी का प्योर कॉपर में दे रहे हैं, सही है। और वायरिंग, वायर की भी 2 साल की वारंटी है। अच्छा, वायर की भी? क्योंकि वायर में अक्सर ये होता है कि दुकानदार पागल बनाते हैं, डंडी मार के उसमें मिक्स वाला वायर बेच देते हैं, सही है। तो वो जो मिक्स वायर होता है या सिल्वर का वायर होता है ना, वो कार्बन पकड़ लेता है 2-3 महीने बाद ही। ओके। कॉपर का वायर जो होगा ना 100% वो कभी भी खराब नहीं होगा, ना ही उसपे उसके ऊपर कार्बन आएगा, सही है। तो 2 साल की वारंटी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए इस चीज से, 2 साल की वारंटी वायर की दे रहे हैं, कंप्लीट एसी सीरीज, कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ, ठीक है। इसमें एक कील भी क्लाइंट को बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी कि हम बोले कि यार ये ला दो वो ला दो, कुछ भी नहीं। 40,000 रुपए का पूरा मुकम्मल पैकेज है। वो अगर कोई क्लाइंट मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेगा तो मैं उनको डिटेल भी भेज दूंगा, आपको भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप भी लगा दीजिएगा। एक पंखे और 2 लाइटों का पैकेज 40,000 रुपए का है। इसी तरीके से 2 पंखे और 4 लाइटों का पैकेज 80,000 रुपए का। अच्छा, इसमें ये वो दिन में चलने वाला सेटअप बता रहे हैं, ये रात दिन में तो सूरज से चलता रहेगा रेगुलर। सुबह 6 बजे जैसे ही सूरज निकले, सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक 12 घंटे तो ये वैसे ही चल रहा है, ठीक है। उसमें जो बैटरी आपको दे रहे हैं 100 एम्पीयर की, उसमें इतना बैकअप है कि वो 6 घंटे आपके पंखे को इजीली चला सकता है। जबरदस्त। तो अगर किसी के घर में 18 घंटे की भी लोड शेडिंग है ना, तो वो आप इस पैकेज से कवर कर सकते हैं, सही हो। मतलब 40,000 रुपए खर्च करने के बाद आपका 18 घंटे लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया। इसके अलावा प्लेट भी, मुझे थोड़ा सा आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, ये प्लेट थोड़ा सा बताएं, क्योंकि प्लेट्स मार्केट में बहुत 2 नंबर भी आई हुई है इस वक्त, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कॉपीज वापस पता नहीं कोई, क्या, क्या। कोई दुकानदार अगर आपको वारंटी वाली प्लेट दे रहा है, इट मींस ये कि प्लेट क्लियर है। अच्छा, अगर 2 नंबर प्लेट होगी, बी वाला माल होगा, उसकी परफॉर्मेंस 6 महीने बाद ही गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम तो 5 साल की वारंटी दे रहे हैं और बिल पे लिख के दे रहे हैं। अच्छा, अगर ये बी का माल होगा तो मेरे पास तो 6 महीने बाद अंबार लग जाएगा, बिल्कुल। और मैं कस्टमर को जवाब दे के पूरा हो जाऊंगा, बेच लूंगा कैसे दूसरा माल, सही है। तो एक रेट की निशानी ये है कि आप वारंटी वाली प्लेट लें, आप मुतमइन हो जाए, फिर आप लेके जाए, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। वारंटी वाली प्लेट ओके। कौन सी कंपनी की सबसे बेस्ट है इस वक्त? यार, बड़ी प्लेटों की अगर बात की जाए तो ये सारी कंपनियां अभी सबसे ज्यादा हिट चल रही हैं, जिनको हो गया लॉन्जी, जे ए, क्राउन, ये सब कंपनियां चल रही हैं। छोटी प्लेट में तो बहुत माल है, बहुत कंपनियां, बहुत माल है। आप कोशिश करें कि वारंटी वाला माल लें, कहीं से भी लें, ठीक है। अगर कोई ये बोलता है कि सोलर प्लेटों में वारंटी नहीं आती, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, बी का माल है ना, वो तो जान छुड़ा रहा है, वो बोलेगा भाई ले जाओ, कल वो आपको पहचाने का भी नहीं। अगर एक रेट माल होगा और अच्छा माल होगा तो वो आपको वारंटी देगा, ठीक है। और इसमें खराब होने का कुछ है नहीं, परफॉर्मेंस कम होती है जो बी कैटेगरी के माल होते हैं, बेसिकली उसके सेल्स में प्रॉब्लम आई हुई होती है। अच्छा, तो वो रिजेक्शन में चला जाता है माल और वो यहाँ पे बी कैटेगरी में बिकना शुरू हो जाता है, सही है। तो कोशिश करें कि वारंटी वाला माल लें तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी बैक साइड पे जो रखी है कौन सी? ये हमारी बैक साइड पे जो रखी हुई है, ये 260 वाट है, जिनको, अच्छा, जिनको बायोफिशियल 260 वाट है, ये वाली प्लेट आपको पड़ेगी 13,500 रुपए की, ठीक हो गया। 13,500 रुपए की ये पड़ेगी, MG 180 वाट पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए की, सही है। ये अभी जब बजट से पहले रेट बढ़े थे तो ये 10,500 तक चली गई थी दोबारा, शाबाश। लेकिन अभी बजट के बाद दोबारा से रेट नीचे आ गए। एक बात और क्लियर कर दूं, ये 8,000 रुपए आज का रेट है, आज लास्ट टाइम, आज तारीख है 24 तारीख है, लेकिन ये आज का रेट है, 24 जून की वीडियो बन रही है, 24 जून की वीडियो बन रही है। लास्ट टाइम ये हुआ था, हमने आपके पास वीडियो बनाई, हमारे पास तकरीबन 50-60 कार्टन पड़े हुए थे, हमने 7,500 रुपए में वीडियो बना ली थी, ठीक है। और बाखुदा 7,500 रुपए में ही मैंने वो सारा माल बेचा, सही है। लेकिन 7,500 रुपए में वो जब माल खत्म हुआ, मैं मार्केट लेने के लिए गया, 9,000 रुपए का मुझे मिल रहा था, माशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताओ, 9,000 रुपए की प्लेट लेके मैं कैसे 7,500 रुपए की कस्टमर को दूं? नहीं है, 9,000 की लेके आप 9,100 की बेच दोगे, 9,200 की बेच दोगे। तो काफी क्लाइंट शिकायत कर रहे थे कि आपने वीडियो में तो 7,500 रुपए बोला है। तो मैं ये क्लियर कर दूं भाई, आज का रेट 8,000 है, अल्लाह करे कि कल 7,000 की हो जाए तो मैं 7,000 की बेचूंगा, 6,500 का हो जाए, अल्लाह करे 6,000 का हो जाए, लेकिन अगर कल 8,500 का हो गया तो कल 8,500 रुपए की बिकेगी, अगर 7,500 का हो गया तो 7,000 रुपए की बिकेगी, ठीक हो गया। क्योंकि सोलर प्लेट के रेट्स का किसी को भी कुछ नहीं पता, सही है। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि जिसने ये निजाम बनाया होगा ना सोलर प्लेट का, उसको भी नहीं पता होता होगा कि यार क्या कल क्या रेट हो जाएगा, कह रहा होगा भाई क्या बना दिया, बिल्कुल ऐसा ही हो गया। इसके अलावा क्या बता रहे सर मुझे आप, कौन कौन से? इसके अलावा ये है कि भाई 2 पंखे और 4 लाइटों का मैंने आपको 80,000 रुपए का पैकेज बताया, बिल्कुल। उसमें भी 18 घंटे का बैकअप है। उसके बाद अगर बड़े पैकेजेस में जाते हैं तो 1 किलोवाट का इन्वर्टर वाला सोलर सिस्टम होता है, ठीक है। 1 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम में हम ये वाली 2 प्लेटें लगाते हैं, अच्छा। 565 वाली, ठीक है। 565 वाट वाली 2 प्लेटों के साथ हम इसमें
इन्वर्टर लगाते हैं इन्वरेक्स कंपनी का। अच्छा, इन्वरेक्स का हो गया, एनएस का हो गया, क्राउन का हो गया या ट्रियोन का हो गया, ये सब एक साल वारंटी वाले इन्वर्टर्स होते हैं। एक किलो वाट में ये इन्वर्टर लग जाता है। एक ट्यूबलर बैटरी लगती है बड़ी वाली। अच्छा, जो ऊपर लगी हुई है, ठीक है। दो सोलर प्लेटें होती हैं, एक इन्वर्टर होता है, एक बैटरी होती है। कंप्लीट वायरिंग, सोलर प्लेट का जो फ्रेम होता है, जो L2 का फ्रेम होता है, वो फ्रेम कंप्लीट वायरिंग, कंप्लीट DB बॉक्स, कंप्लीट एसेसरीज, कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ ये पैकेज 2 लाख रुपए तक चला गया था। अच्छा। इसको हमने कम करके डिस्काउंटेड प्राइस में 1,70,000 रुपये पे लेके आए। तो 1 किलोवाट का अगर किसी को पैकेज चाहिए तो 1,70,000 रुपये का बनेगा। इसी तरीके से 3 किलोवाट का अगर किसी को सिस्टम चाहिए तो 3,70,000 रुपये का है। इसी तरीके से 6 किलोवाट का अगर किसी को सिस्टम चाहिए, अगर मिसाल के तौर पे उनको 2-3 AC चलाने हैं, एक फ्रिज चलाना है, पानी की मोटर, पंखे, लाइटें, ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल 120 घर के लिए घर में होती है, ज़रूरत होती है चीज़ों के लिए, तो उसमें 6 किलोवाट का सिस्टम लगता। अच्छा, है इसमें आयरन चल सकती है? आयरन 3 किलोवाट के सिस्टम में इजीली चल सकती है। और माइक्रोवेव वगैरह? माइक्रोवेव भी चल सकता है। अच्छा, जब आपका एसी चल रहा है तो फिर माइक्रोवेव और आयरन क्या तो, चीज़ है? लेकिन वो वोल्टेज ज़्यादा लेता है ना यार, इसी में पूछ रहा था आपसे। स्टार्टिंग वोल्टेज लेते हैं, लेकिन 3 किलोवाट में आप चला सकते हैं लोड मैनेज करके, ठीक है। अच्छा, 6 किलोवाट में हम 8,50,000 रुपये का पैकेज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ है। वो जो गार्डर वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो हाइट पे बनता है, एलिवेट होके बनता है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ 6 किलोवाट का पूरा पैकेज हमारे पास 8,50,000 रुपये का। सही है। तो जो लोग अभी लगाने के ख्वाहिशमंद होंगे, वो जब मार्केट से रेट ले रहे होंगे तो वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या रेट मिल रहा है और मैं क्या रेट ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 किलोवाट का 1,70,000 रुपये, 3 किलोवाट का 3,70,000 रुपये और 6 किलोवाट का 8,50,000 रुपये का पैकेज है। ये पैकेज आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट करके मुझसे मांग सकते हैं, तो मैं आपको उसकी पूरी कोटेशन सेंड कर दूंगा, उसमें सारी डिटेल से सारी चीज़ें वगैरह मौजूद, हर चीज़ मौजूद बनी हुई है हमारे पास, वो खाली हमने सेंड करनी है। ठीक हो गया। इन्वर्टर्स की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं भाई। इन्वर्टर्स मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं और अलग अलग रेट्स पे चल रहे हैं, कुछ तो बहुत महंगे भी बेच रहे हैं, तो इसका क्या सिनेरियो है, कौन सी कंपनी अच्छी है, इसका थोड़ा सा बताएं डिटेल। अभी जो सबसे अच्छी कंपनी चल रही है वो तो इन्वरेक्स ही है, ठीक है। लेकिन इन्वरेक्स के रेट इतने ज़्यादा हाई हैं कि अगर मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल कंपनी हम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर पावर की मिसाल ले लेते हैं, पावर का 3 किलोवाट का इन्वर्टर, इसके अंदर भी वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है। अच्छा, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड मतलब इन्वर्टर की कंपनियों में एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। अच्छा, और वोल्ट्रॉनिक बोर्ड के साथ ये इन्वर्टर दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपये का। 1 लाख रुपये। अगर इसकी जगह हम 3 किलोवाट का इन्वरेक्स लेते हैं वेरोन 2, तो वो 1,90,000 रुपये का, ऑलमोस्ट डबल प्राइस। वारंटी इसकी भी 2 साल है, 3 साल सर्विस वारंटी है, इन्वरेक्स की भी 2 साल वारंटी है और 3 साल सर्विस वारंटी है, ठीक है। सेम वारंटी में एक चीज़ आपको 1,00,000 रुपये में मिल रही है और वही चीज़ आपको 1,90,000 रुपये की मिल रही है। सही है। तो अगर मैं हूँगा ना, मैं तो यही लगाऊंगा, भले मेरा अपना खुद का बिजनेस है, कुछ भी है। सही है। मैं कहता हूँ कस्टमर को कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप इन्वरेक्स लगा लो। सही है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हो और आप भी हमारे तरह परेशान हो, तो क्या जरूरत है भाई डबल पैसे खर्च करने की। सही बात। जब आपको वारंटी भी मिल रही है, एक तो ये हो ना कि वारंटी ना मिल रही हो, तो बंदा बोले कि यार खराब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है। वारंटी भी है, चीज भी अच्छी है, रिलायबल है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये वो हाइब्रिड होता है, लेकिन हाइब्रिड में ये होता है बेसिकली कि परफॉर्मेंस जो है ना वो आपको 30% मिल रही होती है। अच्छा। हाइब्रिड ये होता है कि बगैर बैटरी के डायरेक्ट इन्वर्टर के थ्रू आप चलाओ, ठीक है। लेकिन अगर बैटरी आप उसके साथ अटैच नहीं करते ना, तो 100% परफॉर्मेंस अगर सोलर आपको दे भी रहा है ना, तो वो आगे 30-40% ही देता है। अच्छा। अगर आपको बैटरीज की जरूरत नहीं है तो मेरा मशवरा ये है कि आप भले छोटी बैटरी लगा लो, लेकिन बैटरी लगाने से ये होगा कि जो 100% परफॉर्मेंस आपको मिल रही है वो आप 100% यूटिलाइज कर सकते हो दिन दिन में। ठीक हो गया। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप बैटरी वाला सिस्टम ही लगाओ। सही हो गया। तो ये अलग से भी अगर परचेज करना चाहे तो आपका इन्वर्टर रखे हुए, हर चीज हमारे पास सोलर की दुनिया की हर चीज होती है। सही। आपको खाली सोलर प्लेट चाहिए वो भी मिल जाएगी, खाली इन्वर्टर चाहिए वो भी मिल जाएगा, खाली पंखे चाहिए 30 वॉट के हो गए, AC/DC 50 वॉट के हो गए, पंखे की कंप्लीट रेंज है। पंखे की रेंज में हमारे पास तैमूर का फैन मिल जाएगा, 10,625 रुपये उसकी रिटेल है, सिर्फ और सिर्फ 9,800 रुपये का हम आपको देंगे। सही है। तैमूर चैंपियन मिल जाएगा, चैंपियन की 5 साल की वारंटी है। कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं, ये सारे लगे हुए हैं, ठीक है। ये सारे आप दिखा सकते हैं, ये मॉडल्स काफी सारे रखे हुए हैं। ये देखें, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे चैंपियन के मॉडल्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा 8,800 रुपए का। सही है। 9,500 रुपए इस वक्त भी मार्केट प्राइस चल रहे हैं। अच्छा। 8,800 रुपए का चैंपियन मिलेगा, 2 साल सर्किट की वारंटी है, 3 साल मोटर की वारंटी है। बहुत दो नंबर है ना, कोई
तो 5-5 साल की वारंटियां दे रहा है, 10-10 साल की वारंटियां दे रहा है, 3-3 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए मिल रहे हैं। वारंटी कंपनी का अगर वारंटी कार्ड होगा और मशहूर अगर कंपनी होगी तो वो उसमें कोई दो नंबर ही नहीं हो सकती। सही है। अब लोकल पंखे जो आ गए GMC, PMC, वो क्या चक्कर है, वो नारायण कागान 2000 के, बालाकोट, ये पता नहीं कौन कौन से पंखे हैं, अजीब पंखे कि जिनका कंपनी वाले को नाम नहीं पता होता कि भाई क्या नाम रखेगा दुकानदार आगे जाकर। अच्छा। वो बस ये वाली चीज हो रही होती है। सही तो है। वो मतलब मेरा ये मशवरा, पंखा ऐसी चीज है कि जो आपको लॉन्ग लाइफ चलाना है और जो 24 घंटे आपके घर में चल रहा होता है। बिल्कुल। तो पंखे में आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी कि जी पुराना पंखा दे, नया पंखा ले जाए सिर्फ 2000 रुपए में। मैंने तो 1000 रुपए वाली भी वीडियो देखी। अच्छा। हाँ, इसके साथ और उसके साथ जो चला है वो तो 1000 रुपए में पंखा दे रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल? अब आप बताओ, आज के वक्त में हाथ से चलाने वाला पंखा 1000 रुपए में नहीं मिलेगा, तो छत वाले पंखे में क्या डालने भाई? वो रोते रहेंगे फिर। ऐसा ही है ना। तो बात यह है कि पंखे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। नामवर जो कंपनियां हो गई, तैमूर हो गया, खुर्शीद हो गया, चैंपियन हो गया, रॉयल हो गया, इस तरीके की नामवर कंपनियां ले लो। खुर्शीद अभी कितने का चल रहा है? खुर्शीद यार इस टाइम मार्केट में 10,500 रुपए में भी नहीं मिल रहा। अच्छा, बहुत शॉर्ट चल रहा है। तैमूर 10,625 रुपए रिटेल है। हाँ। हमने 9,800 रुपए की ऑफर लगाई है। तैमूर की भी वारंटी अच्छी है, तैमूर ने होम सर्विस भी निकाल दी है। सही है, क्योंकि ये कंपनीज जो है ना, ये ACDC की पायनियर्स में से है। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। सही है। हम अपने घर में अगर लगाते ना तो हम चैंपियन और तैमूर के अलावा कोई नहीं लगाते। ठीक है। चाहे कोई सा भी हो, तो ये चैंपियन, रॉयल, सिल्क 5 साल की वारंटी दे रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा, ये कंपनी जिनको नहीं पता, ये रॉयल वालों की प्रोडक्ट है। अच्छा। ये इसका मॉडल भी है सिल्क का, एक ये वाला मॉडल है, एक ये किंग मॉडल है, ये तैमूर का फैन आ गया। ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब रॉयल के आ गए। ठीक है। रॉयल के भी हमने रेट कर दिए 8,800 रुपए। सही है। सिल्क के रेट हमने कर दिए 8,500 रुपए। सही है। सिर्फ और सिर्फ 8,500 रुपए का पंखा पड़ेगा, 5 साल की वारंटी है, 2 साल सर्किट की वारंटी है, 3 साल मोटर की वारंटी है। अच्छा, ये जो आप बोले थे ना कि यार लोकल वारंटी होती है, इसका क्या है? किसी भी कंपनी का अगर आपको कोई दुकानदार वारंटी दे रहा है, कंपनी का वारंटी कार्ड ले। ये अगर कंपनी का वारंटी कार्ड है, पीछे इसकी ये सारी डिटेल लिखी हुई है, तो रिलायबल है। ठीक है। अदरवाइज अगर कोई आपको बोलता है कि इसकी 10 साल भी वारंटी है, तो आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि वारंटी क्लेम उसी सूरत में होगी कि अगर आप डीलर से लेंगे। और डीलर से आपको लेने का पता कब चलेगा? जब आपके पास कंपनी का वारंटी कार्ड होगा। सही हो गया। ठीक है। ये अच्छी तो आपने किसी भी कंपनी का पंखा लेना है, आपने उस कंपनी का वारंटी कार्ड जरूर लेना है। ठीक हो गया। चाहे वो खुर्शीद का हो, चाहे तैमूर का हो, चाहे रॉयल का हो, चाहे सिल्क का हो। ये सारे कितने 40 वॉट पे चलते हैं, 30 वॉट पे चलते हैं? ACDC जो है 50 वॉट पे चलते हैं। अच्छा। और जो इन्वर्टर वाले फैन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30 वॉट पे चलते हैं। ठीक हो गया। तो भाई फैंस की भी काफ़ी बड़ी रेंज मौजूद है, फैन भी आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बैटरियाँ परचेज कर सकते हैं। देखिए बैटरीज की कितनी बड़ी रेंज है, इन्वर्टर्स बहुत सारे रखे हुए हैं आपके पास, हर चीज मतलब। सोलर प्लेट तो है ही, सोलर प्लेट तो आपको एक चाहिए या 1000 चाहिए, आपको एक दिन में हम अरेंज कर देंगे, कोई मसला। सही हो गया। तो इन्वर्टर और भी रखे हुए आपके पास ऊपर की साइड पे, इनके बारे में ये जो है ये NS का इन्वर्टर है। ठीक है। ये 1 kW वाले में मैंने आपको बताया था कि 1 kW वाले में या हम इन्वर्टर लगा रहे हैं या हम NS लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों बहुत अच्छे रिलायबल कंपनियां हैं। ये तो वो है ट्रियोन जो हमने 22,000 रुपए की सेल में लगाया था रमजान में लास्ट टाइम। आज तक भी लोग हमें कॉल करते हैं कि यार वो 22,000 रुपए का आपने चलाया था तो वो दे दो। सही है। तो बोला भाई वो तो रमजान की ऑफर थी, रमजान तो कराची में खत्म हो गया फिलहाल। सही हो गया, कराची में खत्म हो गया। सही है। तो ये है कि ये वाला इन्वर्टर अभी 25,000 का है, लेकिन आपकी वीडियो के तवस्सुस से हम ये अभी भी 24,000 रुपए का दे देंगे। ठीक है। 24,000 रुपए का सोलर वाला इन्वर्टर है ये, 800 वाट आउटपुट देता है और ये आपके 3-4 पंखे, 8-10 लाइटें आराम से चला सकता है। सही हो गया, जबरदस्त हो गया। तो हुनैन भाई माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म के पैकेजेस आपने एक बार फिर दे दिए और डिटेलिंग भी बता दी है, और नॉर्मली घर में चलाने के लिए आपने बता दिया भाई 2 पंखे या 1 पंखा, लाइटें वगैरह उसका पैकेज भी क्या होगा, इसमें कोई मजीद डिस्काउंट की गुंजाइश है हमारे रेफरेंस? ये तो हमने जो चलाया है ना, ये आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले 40,000 वाला पैकेज, नॉर्मली कोई फोन करके पूछता है ना कि यार कितने का पैकेज है, तो हम 50,000 ही बोलते थे। ठीक है। लेकिन ये फिर रेट नीचे आए, दूसरा लोग परेशान, तो हमने ये सोचा कि यार लोगों को किस तरीके से हम रिलीफ दे सकते हैं अपने हैंड से। ठीक है। आवाम नहीं चाह रही, के इलेक्ट्रिक नहीं चाह रही, वो उनका अपना फेल है, उनको अपना जवाब देना है। ठीक है। हम अपना प्रॉफिट रेशो किस तरीके से कम करके हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, उसमें हमने ये पैकेज बनाया। 40,000 रुपए में अगर आप मेरा प्रॉफिट मार्जिन पूछोगे ना, मुश्किल से 1500 से 1800 रुपए बचते हैं 40,000 रुपए में। होशाबाश। आप बताओ मैं और क्या रिलीफ दे सकते हैं? तो खैर मैंने कोशिश की थी, लेकिन भाई का मार्जिन इतना कम है यार, तो क्या कर सकते हैं भाई। चले उन्हें मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।
आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। जाते जाते एक मरतबा एड्रेस दोबारा कंफर्म कर दो। एड्रेस है भाई खुदा की बस्ती सुरजानी टाउन कराची, ठीक है, मेन खुदा की बस्ती के आप मोड़ पे आएंगे तो आपको जमजम इलेक्ट्रिक बड़ा से दिखा वाले। ठीक हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा सर। 0318-22-44-248। टाइमिंग्स बता दें सर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हमारी शॉप ओपन है और फ्राइडे वाले दिन हम ऑफ करते हैं। कराची में ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन एडवांस पेमेंट में किसी को भी कॉन्टैक्ट करना हो व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दें, मैं जैसे ही फ्री हूँगा सबसे पहले आपको जवाब दूंगा और फिर दूसरे काम करूँगा। मैं अभी वीडियो बना रहा था, मुझे तकरीबन 1 घंटा वेट करना पड़ा है क्योंकि माशाल्लाह से कस्टमर इतने होते हैं। ऐसा ही है क्योंकि कॉल इसीलिए रिसीव नहीं हो पाती है। कॉल रिसीव करूंगा तो दूसरे कस्टमर जो भाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम उसको देंगे ना जो हमारे शॉप पे आया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको हम डील करेंगे तो हम मोबाइल को यूज कर सकते हैं। सही बात है। तो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि रात तक भी हमें टाइम नहीं मिलता तो मैं घर पे जाके रात को 2-3 बजे तक जाके कस्टमर्स को जवाब दे रहा होता हूँ क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमने कस्टमर्स को जवाब देना है। वो अगर हमें मैसेज कर रहा है तो हमें इग्नोर नहीं करना, हम तो काम करने के लिए बैठे हैं ना। सही है। तो अगर कोई क्यूरीज आ रही है हम क्यों उसको इग्नोर करेंगे। अच्छा, जाते जाते एक अहम सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, आफ्टर सेल सर्विस आपने जो पैकेजेस बना दिए, पैकेजेस लगा दिए, इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया, चल उसके बाद कोई सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस है आपकी? इसमें ये होता है शेरियार भाई कि अगर विद इन अ वीक या विद इन अ 2 वीक अगर कोई कंप्लेन आती है कि यार ये काम नहीं कर रहा तो हम वैसे ही अपना बंदा भेज के उसको सेट करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में अगर आप 6 महीने बाद मुझे फ़ोन करो कि मैंने 6 महीने पहले आपसे ये लगवाया था और ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम घर पे भेजेंगे बंदे को तो जाहिर सी बात है उसके चार्जेस भी होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपना टाइम भी लगा रहा है, अपना पेट्रोल भी लगा रहा है, तो वो जो चार्जेस होते हैं वो हम कस्टमर को बता देते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ये समझे कि हमने एक दफ़ा सिस्टम लगा के हमने दुकानदार को ख़रीद लिया है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। पॉसिबल नहीं है, हाँ। लेकिन चले, मैंने ये सवाल लोगों को अक्सर पूछते हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा था। बहुत अच्छा किया आपने। चले सर, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे और इस उम्मीद से करेंगे कि सोलर के रेट और ज़्यादा नीचे इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।